हमारे साथ जुड़ गए हैं बिना वक्त गवाए, उन सभी से आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, ये सात विधानसभा मार्ग यानी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत। इरफान मलिक जी हैं, ये पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। संतोष यादव जी हैं, ये आरएलडी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। प्रदीप कपूर जी हैं, ये बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं, इसीलिए इनको यहां पर आमंत्रित किया गया है। और विवेक तिवारी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। विवेक तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, पहला सवाल मेरा यही है कि सच पर ताला लगाया जा रहा है, जब वक्त बीतेगा तो ये जो दबा हुआ सच है वो उभर कर सामने आएगा, और ये ब्रिज की तरह काम कर रहा था अनुच्छेद 370 और 35 से, इसे हटा दिया गया है। अमित शाह ने कल बहुत क्लियर कहा कि दुश्मनों को फायदा उठाया जा रहा है, तो जवाब में ये भी तो कह दिया गया कि जब नरेंद्र मोदी देश गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो भी बहुत सारे बयान दिया करते थे और पाकिस्तान उसका फायदा उठाया करता था, ये उन्होंने बयान उसके रिप्लाई में दिया है अमित शाह के बयान के। देखिए, ये जो विपक्षी दल के मित्र हों, चाहे वो मनोज झा जी बोल रहे हों और चाहे हरीश रावत जी बोल रहे हों और चाहे हरीश रावत जी के जो पार्टी के नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, ये इनके जो बयानात हैं वो कहीं न कहीं देश हित के साथ समझौते वाले बयान हैं। आज तक का जो आज़ादी के बाद से लेकर के आज़ादी से लेकर के आज तक का जो हिस्ट्री है, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी रही हो, जनसंघ रही हो, पूरी की पूरी सरकार के राष्ट्रीय मुद्दों पे सरकार के कदम से पूरी तरह से सरकार को मदद करने का काम किया, पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी रही। बिल्कुल। आज अगर ये लोग बॉर्डर के मसले पर या ऐसे मसले पे जिसमें पड़ोसी देश साजिश कर रहा है भारत के साथ, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ, तो ये इनके बयानात और इनका जो रवैया है, ये कहीं न कहीं भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। और उसी का परिणाम है कि श्रीमान राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान ने यूएनओ में जो अपनी पत्र दिया उसमें उसने कोट किया। तो ये जो लोग बहुत लोकतंत्र का की भाषा, लोकतंत्र का राग अलाप रहे हैं, लोकतंत्र विद इन द कंट्री होता है, लोकतंत्र भारत के अंदर, ये देश मजबूत रहेगा, ये देश सलामत रहेगा तो सारा लोकतंत्र इसमें पुष्पित पल्लवित होगा। लेकिन देश के हितों को लेकर के, देश के हितों के साथ समझौता करके जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनके बयान को मुझे तो बहुत शर्मनाक लगता है कि ऐसे लोग जो देश के हितों के साथ समझौते की बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं कभी दिखाई पड़ा कि जिस तरह से मानवाधिकार का कश्मीर में हनन हुआ, जिस तरह से लाखों लोग वहां काट डाले गए, तब इनको लोकतंत्र कहीं नहीं याद आया? तब इनको ये 370 ब्रिज नजर आ रहा था? तो इनका जो, इनकी जो सोच है, कहीं न कहीं पूरी तरह से उनकी सोच में केवल राजनीति भरी है। और चलिए, सोच में राजनीति भी भरी है। हमारे साथ विपक्ष के दो मेहमान हैं, इनसे भी राय लेते हैं। हरीश जी, जिस निर्णय का देश की एक एक नागरिक स्वागत कर रहा है, बिल्कुल, उसको जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये इसको ये जनता पूरी तरह से अलग थलग उठा के रख देगी। ठीक है, अलग थलग उठा के रख देगी। इरफान मलिक जी, आपको भी लगता है कि सच पर ताला लगाया जा रहा है और ब्रिज की तरह था अनुच्छेद 370 और 35 से? देखिए, अनुच्छेद 370 और 35 से ये मामला हमारा इंटरनल है और हमारे देश का मामला है। इसमें पाकिस्तान या कोई भी देश को इसमें कहीं से कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारा मामला है, राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, विपक्ष का अपना काम है, सत्ता पक्ष का अपना काम है। लेकिन राहुल गांधी जी के बयान का जो जिक्र कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने अभी 4-5 दिन पहले ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी पाकिस्तान को या किसी भी एक चीज में बताऊं इरफान जी, कहीं पर आग लग जाए जी, उसके बाद जब राख हो तो वहां पानी डाल दिया जाए जी, ये ठीक है, अच्छा लगेगा ना? आप कह रहे हैं यानी 5 दिन पहले पाकिस्तान ने उस बयान को यूएनए में तो प्रस्तुत कर दिया ना, राहुल गांधी का बयान, तो अब उसके बाद 5 दिन पहले वो इंग्लिश में ट्वीट कर रहे हैं। मैं वो ट्वीट बता दे रहा हूं, आई डिसएग्री विथ यू दिस गवर्नमेंट ऑन मेनी इशू बट लेट मी मेक दिस एब्सोल्यूटली क्लियर, कश्मीर इज इंडियाज इंटरनेशनल इशू, देयर इज नो रूम फॉर पाकिस्तान
और एनी अदर फॉरेन कंट्री टू इंटरफेयर इन इट। ये पांच दिन पहले किया सर, और यूएन में इसका इस्तेमाल कर लिया गया कि राहुल गांधी ने क्या बयान दिया। तो जब आग बुझ गई तब पानी डालने से कोई फायदा है मलिक साहब? कोई फायदा है? कोई फायदा है? ऐसा है राहुल जी, मैं जोड़ना चाहूंगा, तुरंत आ गया आपके पास, इन विपक्षियों की राय ले लो, तुरंत आ गया विपक्षी दलों की। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि 370 और 35 हमारा अपना इंटरनल मामला है इसमें भाई, जहां तक 370 और 35 है तो कश्मीर ही नहीं चाहिए, कश्मीरियों को भी चाहिए भाई, कश्मीर के आवाम के भाई। एक कह रहे हैं कि कश्मीर में कहीं, आप माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बयान दिया, आपने सुनवाया कि कहीं उस दिन से लेकर के कहीं आज तक कोई गोली नहीं चली, कहीं कोई वारदात नहीं हुआ। लेकिन आप भी बताओ, कश्मीर के सारे विपक्ष के लोग जो भी जा रहे हो, चाहे वो कम्युनिस्ट के लोग, भाकपा के लोग जा रहे हो, चाहे कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, या कहीं भी कोई भी आदमी, सबको आप आना है एयरपोर्ट से। अगर कश्मीर में सारी स्थिति समान है तो क्यों नहीं लोगों को जाने दिया जा रहा है? कश्मीर के जो जो नेता है उनको क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है अगर वहां पे स्थिति सारी समान है? तो वहां पे तो कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पे तो कर्नम लोगों को दवाएं तक नहीं मिल रही है, रक्षक दवाएं तक नहीं मिल पा रही है। इरफान मलिक जी, 70 साल की जो स्थिति है जी, उसे संभाला जा रहा है ना जी, वो भड़का भी सकते हैं, माहौल को खराब भी कर सकते हैं। अभी वो सेफ है ना, अंदर है, अपने घर पे है ना। अभी जब माहौल कंट्रोल में हो जाएगा, उन्होंने कहा कि किसी तरह के बुलेट नहीं चली, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े गए, किसी की मौत नहीं हुई। क्या चाहते हैं कश्मीर में? इसके पहले क्या हो रहा है 89 के बाद, वो आप देख रहे हैं कि नहीं मलिक साहब? आप किस तरह से हमारे सेना के जवानों को जीप के आगे बैठाकर उनके साथ निशंस वारदातें की जा रही है, बिल्कुल वो देख रहे हैं ना? सही है। लेकिन आपको कुछ पता चला सर? वहां पे मीडिया तो एक्टिव है ना जी, नेता भी एक्टिव है, उनके फोन भी चल रहे हैं, फोन की घंटियां घूम रही है, वो बता देना सर क्या चाहते हैं ये लोग, जाके वहां माहौल को खराब करें? आप क्लियर बोलिए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? माहौल खराब ना करें, लेकिन लेकिन क्या का नाम है, किसी भी विपक्ष के लोगों को या किसी को मतलब कहीं भी, आपका ये दर्द है कि आप जाना चाहते हैं ना, और आपको रोका जा रहा है। संतोष यादव जी, आपको भी लगता है सत पर ताला लगाया जा रहा है? मेरा ये कहना है कि धारा 370 जब लागू थी तब भी कश्मीर हिंदुस्तान का था, उसमें अमेंडमेंट हो गया तब भी कश्मीर का हिंदुस्तान है, और चाहे पाकिस्तान और चाहे यूएन और चाहे जो रिटर्न याचिकाएं फाइल हो जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में रहेगा। और है संतोष यादव जी, दो झंडे का समर्थन कर रहे हैं? दो झंडे का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं दो झंडे का समर्थन कतई नहीं कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि धारा 370 जब जोड़ी गई थी तो उसमें शब्द टेम्परेरी जोड़ दिया गया था, वो परमानेंट धारा नहीं थी। जब उसमें टेम्परेरी शब्द जोड़ गया तो टेम्परेरी कर्मचारी किसी समय निकाला जा सकता है और टेम्परेरी धारा भी किसी समय हटाई जा सकती है। तो इसमें इतना हो हल्ला जो बीजेपी मचाती है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हल्ला मचाने की बात नहीं है। एक परिस्थितियां ऐसी थी कि 370 जोड़ी गई थी, ऐसी परिस्थितियां आई कि 370 को हटाना पड़ा, इसलिए ये बात तो ठीक है 370 में अमेंडमेंट हुआ, लेकिन उसका जो नाजायज फायदा बीजेपी उठाती है, उसका ये कहती कि 2014 के पहले हिंदुस्तान में कश्मीर था ही नहीं। नाजायज फायदा 2014 पहले कश्मीर में, कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं था। नाजायज फायदा लेकिन तो कश्मीर हिंदुस्तान में था, है और रहेगा। सर संतोष यादव जी, नाजायज फायदा पाकिस्तान ने उठा लिया, उन्होंने बयान बता दिया कि राहुल गांधी ने क्या कहा इस पर। उन्होंने बताया कि देखिए ये इस देश में दो धड़े हैं, अनुच्छेद 370 और 35 को हटाने में पाकिस्तानी ये कहा। बैठने वाला कोई भी जो जस्टिस होगा इतना कम समझदार नहीं होगा कि किसी टेम्परेरी धारा को हटाए जाने पर किसी आदमी का कोई बयान आ गया तो उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन हो जाएगा। देश के और भी हिस्सों में तो 370 है। हरीश जी तक चलते हैं, आप संतोष जी से पूछिए, आप संतोष जी से पूछिए कि जो यूएनओ को जो लेटर दिया पाकिस्तान ने, उसमें कांग्रेस को कोट किया, राहुल गांधी के बयान को कोट किया कि नहीं कोट किया? मैंने उससे पूछा कि कोई जज होगा जो इसको, मैं उसमें ये संतोष जी सुनते हैं ना उसको प्रमाण के रूप में? नहीं, मैंने वो सवाल इनसे किया। इनका ये कहना है कि आप लोग ज्यादा हवल्ला मचा रहे हैं चूंकि चुनाव करीब है, इसलिए टेम्परेरी धारा हटा के हवल्ला मचा रहे हैं। राहुल जी, कहां का चुनाव करीब है? राज्यों के चुनाव करीब बता रहे हैं, अभी 3-4 महीने पहले हुआ, कहां का चुनाव करीब है? हर चीज को, राष्ट्रीय हित को और राष्ट्रीय अस्मिता की
महत्व को राष्ट्रीय हित का हिंदुस्तान का एक एक बच्चा अगर सेना न लड़े तो एक एक बच्चा सेना में लड़ने के लिए तैयार है, बिना भर्ती बिना ट्रेनिंग के अपनी जान देने के लिए तैयार है। इसलिए राष्ट्रीय हित में यह कहना केवल बीजेपी राष्ट्रीय है, इसलिए मैंने मानने के तैयार नहीं हूँ। राष्ट्र का एक एक बच्चा बिना सेना के बिना वर्दी के लड़ने के लिए तैयार है, जान देने के लिए आता है, खून देने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी का यह कहना केवल राष्ट्रीय हम है, राष्ट्र हम चलाते हैं, तो 2014 के पहले राष्ट्र था, 2000 पहले की सेना थी और 2000 पहले भी हिंदुस्तान था, कश्मीर था। इसलिए यह कहना खाली राष्ट्रीय आप है ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। राष्ट्रीय मैं भी हूँ, जहाँ आप एक खून बहाएंगे वहाँ मैं 10 खून बहाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आप ये कहना गलत है, राष्ट्रीय आप है। सुनिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं आज ही खड़ा हूँ। आपको बीजेपी का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? आप राष्ट्रीय हैं तो राष्ट्रीय है, कोई सर्टिफिकेट बांट रही है बीजेपी? अगर आप राष्ट्रीय हैं, आपके अंदर देश भावना है, तो भाई आप भारतीय है, क्लियर है, उसमें क्या है? आप ये क्यों कह रहे हो डंका? नहीं, आप इनसे पूछिए, 40,000 लोग वहां मार डाले गए थे, कहां खड़े थे? अरे चलिए, जिस समय हो गया संतोष जी, आप उस समय बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी। हरीश जी हमारे साथ, इसलिए ये कहना आपका दो और लोग भी हैं भाई, सेना के हाथ बांधे रखे। संतोष यादव जी, 4.5 साल बाद जब चुनाव आया, चलिए सर, हो गया, हमला करा के चुनाव करा लिया। संतोष यादव जी, हरीश जी प्लीज, सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक है, इनकी बात सुन लेते हैं। सतही बयान, हाँ, इस तरह की सतही व्याख्या आप लोगों की हो सकती है, ठीक है? सतही व्याख्या पर आएंगे, व्याख्या करके सतही व्याख्या पर आ रहे हरीश जी। संतोष जी प्लीज, प्रदीप कपूर जी, क्या इस तरह के राष्ट्रीय मुद्दों पर, जब खुद जवाहरलाल नेहरू ने इसमें लिखा, देखिए आपने हरीश रावत ने वही बात दोहराई कि ये समय के साथ टेम्प्रोरी थी, खत्म हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, जब इस तरह के राष्ट्रीय हित के मुद्दे हो, आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हो, संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ बीजेपी ने किया। अब पाकिस्तान को जो इस्तेमाल कर रहा था यूएनओ में, उसका इस्तेमाल तो कर लिया कांग्रेस, और उसमें राहुल गांधी का जिक्र हो गया है। देखिए, राष्ट्रहित के मुद्दे पर एक नेशनल पार्टी को एक ओपिनियन देनी चाहिए, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही देनी चाहिए। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं, वो तो छोड़ के भाग गए इलेक्शन के बाद। तो जिम्मेदारी पार्टी के अध्यक्ष की है कि इतने सेंसिटिव इश्यू, धारा 370 का हो और 35A का हो, और जहाँ पाकिस्तान से माहौल हो, तो उसमें एक ओपिनियन होनी चाहिए। और उसमें आपने देखा कि कर्ण सिंह भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, और सचिन पायलट भी हैं, बहुत से लोगों ने कांग्रेस अलग 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 पढ़े और उन्हें ही अलग उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। उन्होंने धारा 370 को हटाए जाने का वेलकम किया, जो सरकार ने जो मूव किया उसको वेलकम किया। तो कांग्रेस में एक डिफरेंस ओपिनियन थी जो इस मुद्दे के ऊपर सामने आई। तो जाहिर बात है, जिम्मेदारी एक नेशनल पार्टी की है, नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट की है कि हमारी इस मामले में क्या लाइन होगी, हमें क्या कहना है। जिम्मेदारी नहीं निभाई, प्रदीप कपूर जी आप ये कह रहे हैं, जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, नहीं, मेरा मानना यही है, पर उन्होंने नहीं निभाई। और बाद में राहुल गांधी को जब ये पड़ा कि नुकसान हो गया, तो ट्वीट करके उन्होंने अपना जो है स्टैंड चेंज किया। स्टैंड चेंज ये दिखाता है कि बैकफुट पर है। विवेक तिवारी जी, मतलब जब राष्ट्रीय मुद्दे हो, इस तरह के राष्ट्रीय मुद्दों पर नॉन सीरियस जो भी मन में आया कह दिया जाए। मैं राहुल जी आपके तीन अभी तक तीन प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा। पहला, जैसे कि झा साहब कह रहे थे कि दबा हुआ सत्य, तो दबा हुआ सत्य का देखें तो वो ये था कि कश्मीर वॉज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत पहले से था, हरी सिंह के साथ के समय से ये चला आ रहा था, जो नेहरू जी ने दबाया था। तो ये सत्य बाहर निकाल करके बीजेपी ने सामने पटल पर रख दिया, और 370 और 35A जो हटाया वो एक इस चीज को सामने लाने का, सत्य लाने का, बाहर लाने का काम किया। दूसरी चीज, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो था, राहुल गांधी का स्टेटमेंट सबसे ज्यादा जो परेशानी लाता है हमारे देश के लिए, वो ये कि जो इंटरनल मैटर था हमारे कंट्री का, उसको उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया। और इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ पे कि पाकिस्तान को किसी भी देश का, छोटे से छोटे देश का और चाहे इस्लामिक स्टेट्स का भी कोई समर्थन नहीं मिला, वहाँ पे हमारे अंदर, भारत के अंदर से जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता कहलाए जाते हैं राहुल जी, उनका समर्थन मिला, और उसको लेकर के वो यूएन में जा रहे हैं, जो कि देश के लिए एक बहुत ही खराब और विकृत स्थिति पैदा करती है। और तीसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, जिस तरह से बात आ रही थी कि नहीं वहां पे जाने से लोगों को रोका जा रहा है, उसकी व्याख्या कीजिए। 70 साल की चीजें, आप 70 दिन तो टाइम दीजिए गवर्नमेंट को सही करने के लिए। और आप अगर इतने ही चिंतित हैं, तो जो कश्मीरी दिल्ली में बैठे हैं उनसे आपने 7 मिनट की मुलाकात नहीं की, और आप कहते हैं कश्मीर में जाके संभालूंगा, तो इस चीज पे विचार करना जरूरी है।
इरफान मलिक जी, विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, फैक्ट है इनकी बात में, विवेक तिवारी जी की बात में, जो दिल्ली में बैठे हैं उनसे 7 मिनट तो मिल नहीं सकते आप, 70 दिन का तो वक्त देंगे ना, 70 साल से जो रायता फैलाया गया था, 70 दिन का वक्त दे दीजिए, अभी सब कुछ जाना है वहां पे, अभी घूमना है, टाइम दे दीजिए ना, मीडिया अलर्ट है सर, सारे फोन चल रहे हैं, इंटरनेट वहां पर चल रहा है, फिर भी जाना है, दल बना लीजिए 8-9 लोग, वहां पर जाइए, राजनीति कीजिए, यही चाहते हैं? नहीं, राजनीति करना भाई, राजनीतिक दल 70 दिन का वक्त भी नहीं देंगे आप, अगर वहां जाना है तो 70 दिन का तो वक्त देना पड़ेगा ना आपको, जो 70 साल से वहां पर स्थिति थी, 89 के बाद से क्या कुछ हुआ वो सब आप देख रहे हैं ना, अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए वो देख और सुन रहे होंगे, हमारे जवानों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता था, वहां पर किस तरह पत्थरबाज एक्टिव रहते थे, वो खबर आपको दिखाई सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है? आपके भी कुछ रिलेटिव वहां पर होंगे, कुछ खबर मिलती होगी, टेलीफोन अलर्ट है कि नहीं, पूरे PSPL में तो कोई तो होगा ना कि लोग जान रहे होंगे, जवाब दीजिए आप। नहीं, मामला यह है, जो लोग कह रहे हैं कि हर चीज को राजनीतिक, अगर विपक्ष बोलता है तो कहते हैं कि साहब राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष खामोश है तो इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब विपक्ष मर चुका है। अरे एक तो आखिर विपक्ष करे क्या? इरफान मलिक, विपक्ष सुने, विपक्ष करे क्या? विपक्ष संविधान को पढ़े, विपक्ष सही से बोले, पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे कि वो असंवैधानिक काम किया है, पार्लियामेंट के अंदर असंवैधानिक काम किया, ये बोल रहे हैं, काला दिवस बोल रहे हैं, जो कि गलत बात है। राहुल जी, गुलाम साहब कह रहे हैं कि क्या विपक्ष की देश के लिए कोई सकारात्मक भूमिका नहीं है, क्या विपक्ष की इस देश के लिए कोई रचनात्मक भूमिका? चलिए हरीश जी, एक तस्वीर दिखा रहे हैं हम, ये विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर है, अभिनंदन के हौसलों को सलाम करता है भारत समाचार, MiG-21 पठानकोट से उड़ाने जा रहे हैं, उसकी तस्वीर दोपहर वार के इस खास कार्यक्रम में आप देख रहे हैं, MiG-21 उड़ा रहे हैं, उसकी तस्वीर है, अभिनंदन के हौसलों को सलाम करते हैं, और यहां पर जितने हमारे शायद यहां पर गेस्ट हैं निश्चित तौर पर ये भी कर रहे होंगे। चलिए, यानी इन लोगों की भी राय समान है जो दोपहर वार के स्टूडियो में तमाम गेस्ट बैठे हैं, इनकी भी राय है, आसमान में अभिनंदन का सभी अभिनंदन कर रहे हैं, MiG-21 से इन्होंने उड़ान भरी है, उसकी एक तस्वीर आप पठानकोट के जरिए लाइव देख रहे हैं सिर्फ भारत समाचार पर, उसके खास कार्यक्रम दोपहर वार में। ये सीधी तस्वीरें हैं पठानकोट की, आसमान में अभिनंदन करने के लिए सभी तैयार हैं, MiG-21 से इन्होंने उड़ान भरी है, विंग कमांडर अभिनंदन, वायुसेना प्रमुख के साथ उड़ान भरेंगे, तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं भारत समाचार के जरिए। वायुसेना प्रमुख के साथ उन्होंने अब से थोड़ी देर में देखी सीधी तस्वीरें, और अब पूरी तरह से प्लेन तैयार है, नए लुक नए जोश में अभिनंदन दिखे, एयरफोर्स चीफ के साथ MiG-21 की उड़ान अब से थोड़ी देर में उभरेंगी। अभिनंदन ने नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान F-16 विमान को मार गिराया था, उसके बाद वो चर्चा में आए थे। एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल BS धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन ने पठानकोट एयरबेस से MiG-21 लड़ाकू विमान के जरिए उड़ान भर रहे हैं। इस दौरान अभिनंदन नए लुक और नए जोश में, जब वो लौट कर आए पाकिस्तान से तो उनके लुक को बहुत लोगों ने कॉपी भी किया था। बता दें कि इसी साल 27 फरवरी को अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी विमान को MiG-21 से खदेड़ा था, और फिर MiG-21 वो उड़ा रहे हैं। उसकी सीधी तस्वीरें आप भारत समाचार के खास कार्यक्रम दोपहर वार के जरिए देख रहे हैं। F-16 को मार गिराया था MiG-21 से, और फिर MiG-21 उड़ा रहे हैं वो, उनके साथ एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी उनके साथ मौजूद है।
वीर चक्र ने वीर चक्र से सम्मानित भी हुए थे, भारत सरकार ने इन्हें वीर चक्र का पुरस्कार दिया चूंकि उन्होंने इस तरह का काम भी किया था। ये तस्वीरें और लगातार हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, इसमें प्रदीप कपूर जी आपका क्या रिएक्शन है, वरिष्ठ पत्रकार हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, खुशी का मौका है जो अभिनंदन ने भारत के लिए जो किया और उसको वीर चक्र से सम्मानित हुए और उसके बाद आप फिर से उड़ान भर रहे हैं, साथ में उनके वही चीफ है, वही मेघ है, तो जाहिर बात है कि ये पूरे देश के लिए गौरव का और एक बहुत अच्छा पल है कि भारतीय। हरीश जी आपकी भी प्रतिक्रिया है? अभिनंदन के जो का जो जज्बा है उसको सलाम हम सब करते हैं और सभी एक एक भारतीय नागरिक को अपने इस वीर जो बहादुर जो सैनिक हैं उन पे गर्व है और सबको गर्व करना चाहिए कि हमारे जो सेना के अफसर हैं जो जवान हैं वो इतने बहादुर हैं। सबको गर्व करना चाहिए। इरफान मलिक जी आप बिल्कुल ग्रस्त होने के बावजूद उन्होंने फिर वो है इस जज्बे को में है कि सलाम है उड़ान और इस तरह देश के हमारे चाहे वो एयरफोर्स के लोग हों चाहे वो का नाम है हमारे मिलिट्री पैरामिलिट्री के लोग हों जो लोग भी हमारे देश के सरहदों पे जो आज खड़े होकर के अपनी जान को जोखिम में डाल करके और हमको बचाए हुए हैं और हम चैन की नींद से सोते हैं उसके लिए सलाम है और इनके इन अभिनंदन का पुनः अभिनंदन है। बिल्कुल। और संतोष यादव जी अभिनंदन को और पूरी संपूर्ण भारतीय सेना को पूरी भारत की जनता सल्यूट करती है सलाम करती है और ये विश्वास करती है कि हमारा हिंदुस्तान भारतीय सेना के साथ में सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं कोई कदम और कोई चिड़िया पंख नहीं मार सकती। विवेक तिवारी जी अच्छा लग रहा है कि सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और करना भी चाहिए। वीर चक्र प्राप्त करने पर अभिनंदन जी को सल्यूट और हार्दिक शुभकामनाएं उनको। और इससे होता क्या है कि जो भी हमारी सुरक्षा बल है चाहे वो वायुसेना है चाहे वो नेवी है चाहे वो आर्मी है उसका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल हरीश जी अभिनंदन आसमान मुड़ गए, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, वायुसेना के चीफ मार्शल के साथ भी मौजूद है। देखिए यहाँ तो सब एक है, सभी स्वागत कर रहे हैं और ऐसे राष्ट्रहित मुद्दे पर अगर सब एक हो जाए हरीश जी तो क्या बात है। नहीं बिल्कुल राष्ट्रहित के मुद्दे पे भारत का एक एक नागरिक के का जो जज्बा है हम सब उसको सलूट करते हैं और हमारे विपक्षी दल के मित्र भी उनको भी चाहिए कि जो राष्ट्रहित का मुद्दा है राष्ट्र गौरव को जो मुद्दा है उसको इनको भी सलूट करना चाहिए और उसके उसमें सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। बिल्कुल। और संतोष जी जब सरकार ये अपेक्षा करती है कि आप कदम से कदम मिलाइए तो आप दिखते भी हैं लेकिन बाद में बैकफुट पर क्यों आ जाते हैं? राष्ट्रहित में एक कदम आगे बीजेपी से, एक कदम आगे रहेगा मेरा सेना चाहे जब बुला के देख ले। राष्ट्रहित की जहां पे बात आएगी तो पूरा हिंदुस्तान का एक एक बच्चा इनके साथ खड़ा नजर आएगा। तो जो अनुच्छेद 370 हटाया गया और 35 से हटाया गया उसमें आप लोग पूरी तरह से साथ हैं, फिर बैकफुट पर क्यों लगता है? 370 एक अलग मामला है, 370 एक संविधान का अनुच्छेद है, वो देश नहीं है, वो कश्मीर के लिए जोड़ा गया था, कश्मीर के लिए हटाया गया, कश्मीरियों के लिए हटाया गया, इसलिए उस पे हम कुछ कहते हैं तो उस पे इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुद्दा है, मेरी बात सुनिए तो, राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्र में आपके साथ है, कश्मीर के साथ में है, कश्मीरी जनता के साथ में है, लेकिन अगर आपने कुछ काम किया है तो उस पे हम चर्चा जरूर करेंगे, आपको जवाब देना हो तो आप दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है 370 पे मत बोलिए, लेकिन 370 पे आप सुनिए। 370 के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 8 अगस्त को एक बयान जारी किया था। अच्छा, ये 13 में एक बयान जारी हुआ था। आप तो पहले साथ थे, आप बैकफुट पर क्यों हैं? नहीं बैकफुट पर मैं नहीं हूँ। 8 अगस्त 13 का मैं बयान याद दिलाना चाहता हूँ बीजेपी का। इन्होंने कहा था कि अगर आज देश के प्रधानमंत्री मोदी होते तो जो हमारा गुलाम कश्मीर है वो हिंदुस्तान के अंदर होता, लेकिन वो हमको देखने को मिल जाएगा। छोटी सी प्रतिक्रिया हरीश जी, बहुत कम समय है, 20 सेकंड में सर आ जाएगा, मुझे बुलेटिन पॉइंट जब आएगा सलूट कर देंगे आपको। वो 20 सेकंड में सर, गुलाम कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है और वो भी जल्दी ही भारत के साथ जुड़ जाएंगे 370। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका, इरफान मलिक जी आपका, संतोष यादव जी आपका, प्रदीप जी आपका और विवेक तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई राष्ट्रहित के मुद्दे पर
देश के साथ कदम से कदम मिलाकर, वो भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दे पर साथ रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद दोपहर बार देखने के लिए आप सभी दर्शकों और मेहमानों का।